काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम के इस अध्याय में आज हम बताने वाले हैं एजिंग एनालिसिस के बारे में, साथ ही बताएंगे किसी रिपोर्ट का प्रिंट कैसे निकालें और बात करेंगे बिल्स सेटलमेंट के बारे में। इसके पहले वाली चार वीडियोस में हमने क्रमशः बिल वाइज एंट्री के अंतर्गत आने वाली एडजस्टमेंट की तीन मेथड्स और उन पर आधारित आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के अंतर्गत आने वाली एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, साथ ही कुछ अन्य जानकारियां भी देंगे। ध्यान रखें, बिल वाइज एंट्री ऑप्शन को आपको अच्छे से समझाने के लिए हम कुल 6 वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें से ये वीडियो 5वें क्रम पर आती है। हमारा आपसे निवेदन है कि इन सभी वीडियोस को क्रम से ही देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एजिंग एनालिसिस को समझने के लिए पहले हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के अंतर्गत रिसीवेबल रिपोर्ट ओपन कर रहे हैं। देखिए, इस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि हमें किस बिल नंबर का किस पार्टी से कितना पेंडिंग अमाउंट किस तारीख को लेना था या लेना है, और ये भी पता चल रहा है कि जो पेंडिंग अमाउंट हमें लेना था वो प्राप्त होने में निर्धारित तारीख से हमें कितने दिन अधिक हो गए हैं। यहाँ पर एक खास बात समझने के लिए ये है कि हमने जो बिल बनाए हैं वो तो तारीख के क्रम में दिखाई पड़ रहे हैं, पर उनकी ड्यू डेट क्रम में नहीं है, क्योंकि हमने सभी कस्टमर्स के लिए उधार की कोई एक निश्चित अवधि तय नहीं की है। ये तो हर कस्टमर और उसके भी हर बिल के लिए अलग अलग है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ही दिन बने बिल्स की ड्यू डेट अलग अलग है, और इसी कारण से ड्यू डेट के आधार पर निकाले गए ओवर ड्यू बाय डेज भी अलग अलग हैं। और यही वजह है कि हम बिल की तारीख या बिल नंबर के अनुसार वसूली नहीं कर सकते। यहाँ हमें ड्यू डेट या ओवर ड्यू बाय डेज की सहायता से ये देखना होगा कि ऐसे ओवर ड्यू कौन से हैं जिन्हें अभी कम समय हुआ है, और ऐसे ओवर ड्यू कौन से हैं जिन्हें अधिक समय हो चुका है। जैसे कि यहाँ हम देखना चाहते हैं कि 15 दिन से कम समय के ओवर ड्यू कौन से हैं, 15 से 30 दिन के ओवर ड्यू कौन से हैं, 30 से 45 दिन के बीच के ओवर ड्यू कौन से हैं, और 45 दिन से ज्यादा पुराने ओवर ड्यू कौन से हैं। जितने अधिक दिन ओवर ड्यू हो चुके होंगे उसी के अनुसार हम वसूली के लिए अपने कस्टमर्स पर दबाव बना सकेंगे। इस काम को करने के लिए हमें इस रिपोर्ट का ध्यान से अध्ययन करना होगा, तब जाकर हम पता कर सकेंगे कि कौन से पेमेंट ऐसे हैं जिनकी ड्यू डेट निकल चुकी है और वे ड्यू डेट के बाद कितने दिन ओवर ड्यू हो चुके हैं। चलिए ये काम कर लेते हैं। ये देखिए, इन पेमेंट्स को ओवर ड्यू हुए 45 या उससे अधिक दिन हो चुके हैं, ये 30 से 45 दिन के बीच का है, ये 15 से 30 दिन के बीच के हैं, और ये 0 से 15 दिन के बीच का है। अब यहाँ एक सवाल ये है कि ये तो बहुत छोटी रिपोर्ट है, यदि रिपोर्ट कई पेज की होगी तो इस तरह सॉर्टिंग के काम में बहुत समय लगेगा और फिर भी गलती की संभावना बनी रहेगी। बस इसी का समाधान है एजिंग एनालिसिस। यदि हमें इस तरह की एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। इसमें हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कौन से पेमेंट ड्यू डेट से कितने दिन अधिक यानी कितने दिन ओवर ड्यू हो चुके हैं। जैसे कि हमें इन बिलों के बारे में मालूम हो रहा है कि इनके पेमेंट में ड्यू डेट से भी 45 दिन से अधिक की देरी हो चुकी है, और ये पेमेंट ड्यू डेट से 30 से 45 दिन के बीच की अवधि के हैं। तो चलिए अब हम एजिंग एनालिसिस के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में ही मिलता है। उसके लिए या तो एजिंग मेथड पर माउस से क्लिक करें या F6 प्रेस करें। ऐसा करते ही एजिंग की दो मेथड्स दिखाई पड़ रही हैं। इसमें पहले हम एजिंग बाय ड्यू डेट पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, कंपनी एजिंग अल्टरेशन स्क्रीन आ रही है। यहाँ हमें फ्रॉम और टू में वे दिन लिखना है जिसके बीच की अवधि की रिपोर्ट हम एक स्थान पर देखना चाहते हैं। हम फ्रॉम में 0 देख रहे हैं
इसे हम चेंज नहीं कर सकते। 2 में हम टाइप कर रहे हैं 15। इसका मतलब ये है कि हमें पहले कॉलम में ऐसे पेंडिंग अमाउंट्स दिखेंगे जो कि 0 से 15 दिन के अंदर के होंगे। एंटर प्रेस करें। ये देखिए नीचे वाली लाइन में फ्रॉम में अपने आप 15 दिन आ रहे हैं। अब हम 2 में 30 टाइप कर देते हैं। इसी तरह हमने एंटर प्रेस करते हुए नीचे 45 दिन टाइप कर दिए हैं। ये देखिए अगली लाइन में फ्रॉम में 45 अपने आप आ गया है। अब अंत में हम ये चाहते हैं कि 45 डेज या उससे अधिक के ओवरड्यू एक ही जगह पर दिखाई दें, तो उसके लिए हमें आखिरी लाइन में 2 के आगे 0 ही रहने देना होगा। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए बिल रिसीवेबल की ड्यू डेट के अनुसार एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट आ रही है। इसमें हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि हमारे कौन से पेमेंट ड्यू डेट के बाद 0 से 15 दिन के अंतर्गत आ रहे हैं, कौन से पेमेंट ड्यू डेट के बाद 15 से 30 दिन के अंदर आ रहे हैं, कौन सा पेमेंट ड्यू डेट के बाद 30 से 45 दिन के अंदर आ रहा है, और कौन से पेमेंट ऐसे हैं जिन्हें ड्यू डेट के बाद 45 दिन से अधिक हो गए हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें, जहाँ हमने 0 यानी प्रारंभ से 15 दिन लिए हैं, उसमें एक ऐसा अमाउंट भी है जिसकी ड्यू डेट अभी नहीं आई है, फिर भी वो यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट 1 अप्रैल से 2 जून की अवधि की है और ये आखिरी पेमेंट अभी ड्यू नहीं हुआ है, ये तो 11 जून को ड्यू होगा, फिर भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर हम आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि जो बिल ड्यू नहीं हुए होते हैं वे भी इस रिपोर्ट में दिखाई तो पड़ते हैं, पर उनके अमाउंट सामान्य अक्षर में दिखाई देते हैं, और बाकी सभी जो ड्यू हो चुके हैं उनके अमाउंट बोल्ड लेटर्स में दिखाई पड़ते हैं। अब यदि आप इस रिपोर्ट को ड्यू डेट के स्थान पर बिल डेट से कितने दिन अधिक हो चुके हैं और पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है इस तरह से देखना चाहते हैं, तो F6 प्रेस करें। देखिए एजिंग बाय बिल डेट सिलेक्टेड है, एंटर प्रेस करें। कंपनी एजिंग ऑल्टरेशन स्क्रीन आ रही है। यदि आप यहाँ पीरियड बदलना चाहें तो पहले बताए अनुसार बदल सकते हैं। हम यही रहने दे रहे हैं और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए अब जो रिपोर्ट दिखाई पड़ रही है वो बिल डेट के अनुसार है, और यहाँ भी जो अमाउंट ड्यू हो चुके हैं वे बोल्ड हैं और जो ड्यू नहीं हुए हैं वो सामान्य हैं। यदि आप चाहें तो यहीं से F5 प्रेस करके बिल्स पेबल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये रिपोर्ट बिल डेट के अनुसार आ रही है, हम इसे ड्यू डेट के अनुसार कर लेते हैं। बिल्स पेबल की ड्यू डेट के अनुसार एजिंग एनालिसिस का फायदा ये है कि हम इस रिपोर्ट में ये आसानी से देख सकते हैं कि कौन से अमाउंट ज्यादा दिनों से पेंडिंग हैं, ताकि हमारे पास सप्लायर्स को देने के लिए जब भी रुपया आए हम सबसे पहले ज्यादा पुरानी पेंडिंग अमाउंट का पेमेंट कर दें। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो सेल्समैन बाहर वसूली के लिए जाते हैं उन्हें हमें बिल्स रिसीवेबल का प्रिंट देना होता है जिससे उन्हें वसूली में आसानी हो, या फिर किसी अन्य कारण से भी अगर हमें किसी रिपोर्ट का प्रिंट निकालना हो तो उसके लिए रिपोर्ट पर रहते हुए कंट्रोल और पी प्रेस करें। अब यदि आप सीधे प्रिंट निकालना चाहते हैं तो पी प्रेस करें, और यदि आप प्रिंट के पहले ये देखना चाहते हैं कि रिपोर्ट प्रिंट होने पर किस तरह की दिखाई पड़ेगी तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए आई प्रेस करें। पूरा प्रीव्यू देखने के लिए लेफ्ट और राइट एरो का उपयोग करें। अब आप प्रिंट के लिए पहले एस्केप की प्रेस करें। अब यदि आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो पी प्रेस करें। चलिए एक और महत्वपूर्ण ऑप्शन आपको बता देते हैं। हमारा एक कस्टमर आजाद टीवी आया और उसने कहा कि मेरी तरफ आपका कितना बकाया है बताइए। हमने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में उसका लेजर ओपन किया। उसने कहा कि आपका जो ज्यादा पुराना पेमेंट ड्यू है उसमें 10,000 रुपए नगद जमा कर लीजिए। हमने सेटल बिल्स के लिए ऑल्टर और बी प्रेस किया। ये देखिए बिल सेटलमेंट स्क्रीन आ रही है। इसमें आप यहीं से अपने कस्टमर की रसीद बना सकते हैं।
वाउचर टाइप में रिसीट लिखा हुआ है। वाउचर डेट में आप जिस तारीख में रसीद बनाना चाहते हैं वो तारीख टाइप करें। हम 1 जुलाई टाइप कर रहे हैं। अकाउंट में हमें जिस तरह से पेमेंट प्राप्त हो रहा है वो लेजर सिलेक्ट करना है। यहाँ नरेशन टाइप करें और फिर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। देखिए रिसीट वाउचर ओपन हो गया है जिसमें अभी हमने जो डिटेल्स दी थी वो दिखाई पड़ रही हैं। हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हमें जो अमाउंट प्राप्त हुआ है वो टाइप कर रहे हैं, फिर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। देखिए ऊपर अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है और हम अगली लाइन में आ गए हैं। हम बैक स्पेस से अमाउंट पर जाकर अमाउंट टाइप कर रहे हैं, फिर एंटर प्रेस करें। ये देखिए यदि अगेंस्ट रेफरेंस में जो रेफरेंस आ रहा है वो सही है तो आगे बढ़ें, और यदि उसे चेंज करना है तो वापस बैक स्पेस से रेफरेंस पर जाएं। ये देखिए पेंडिंग बिल्स दिखाई पड़ रहे हैं। आप जिस बिल में ये अमाउंट एडजस्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके आगे बढ़ें और फिर एंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। ये देखिए पहले यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट 50,000 रुपए था और अब उसकी जगह पर 10,000 कम होकर 40,000 ही रह गए हैं। इसी तरह जब आप किसी सप्लायर का लेजर ओपन करके बिल सेटल करेंगे तो टाइप ऑफ वाउचर में रिसीट की बजाय पेमेंट वाउचर ओपन होगा जिसमें आप अभी बताए अनुसार काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने व्यवसाय की बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट एजिंग एनालिसिस यानी एजिंग मेथड्स के बारे में बताया, साथ ही कुछ अन्य जानकारियां भी दी। अगली वीडियो में हम आपको बिल वाइज एंट्री के अंतर्गत एडजस्टमेंट की चौथी मेथड ऑन अकाउंट के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।